अरे बुलाते हैं बढ़िया बोलते बोलिए जरा बोलिए क्या बोलना है वही मर्डर हो गया वही सब साहब हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के जो गार्ड हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है किसी भी गार्ड की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है एजेंसी कहती है कि 58 गार्ड है जब हम चेक करते हैं तो एक टाइम पे 16 गार्ड 18 गार्ड निकलते हैं गार्ड सोते हुए पाए जाते हैं एक एक गार्ड से ये लोग 36-36 घंटे की नौकरी कराते हैं वो गार्ड सोता है हम मांग कर रहे हैं कि आ जाओ बिल्डर कभी नहीं आ रहा हमारे पास हमने यहाँ तक कहा एजेंसी बदल दो दूसरी एजेंसी लगा दो क्योंकि तुम्हारी एजेंसी काम नहीं कर रही है उसके लिए भी तैयार नहीं है ना मेंटेनेंस हो रहा है ना सोसाइटी की साफ सफाई हो रही है कूड़ा कचरा चारों तरफ फैला हुआ है जिससे महामारी होने के चांसेज हैं एसटीपी खराब है उसका पानी चारों तरफ फैलता है लेकिन हमारा बिल्डर कोई ध्यान नहीं देता है हम अगर मेंटेनेंस रोकते हैं तो कहता है तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे हमें डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है आज जो सिक्योरिटी एजेंसी थी हमने सिक्योरिटी वाले ने मारा हमारे साथी को हमारे साथी को सिक्योरिटी वाले ने मारा है उसका जो सुपरवाइजर था उसने डंडे ले घूम रहा है सिक्योरिटी वाले अभी वहां खड़े डंडे लेके खड़े हैं धमकाए जा रहे हैं खड़े वहां पे खड़े उधर और यहाँ के सारे सिक्योरिटी वाले अपना पॉइंट छोड़ के चले गए एक पॉइंट पे कोई गार्ड खड़ा नहीं है हमने यही कहा अच्छे से करो नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे और सारे निकल के बाहर चले गए वो कहते हैं 3 दिन की ड्यूटी कर सकते हैं 3 दिन से एक गार्ड डिप्लॉय है और जो सो रहा था वो कहते ये तो कर सकते हैं आदमी नहीं है पुलिस प्रशासन भी आती है वो भी चली जाती है कोई हमें सिर्फ ये होता है ठीक है एक हफ्ते वेट कर लो दो हफ्ते वेट कर लो हम 2.5 साल से वेट कर रहे हैं इसका लेकिन कोई सुधार नहीं है कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है मर्डर हो गया सोसाइटी में दारू पी जा रही है बैचलर टेरेंट सेक्स रैकेट चला रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर आधे घंटे एक घंटे से हम यहाँ खड़े हैं अभी तक कोई पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया है खड़े हैं प्रशासन के लोग आते हैं कहते हैं आपस में बात कर लो सिक्योरिटी वाले बात करने जाते हैं सिक्योरिटी वाले अनऑथराइज गाड़ियाँ नीचे खड़ी करके सेक्स रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नीचे पार्किंग के अंदर पार्किंग के स्टिकर खत्म हो चुके हैं एजेंसी के पास अनऑथराइज गाड़ियाँ खड़ी है गाड़ियाँ गैलेक्सी सेम केस गैलेक्सी रॉयल वालों ने भी कर रखा है और वालों ने भी कर रखा है तीनों जो सोसाइटियां हैं गैलेक्सी की प्रदीप अग्रवाल जी की रॉयल गैलेक्सी नॉर्थ 2 और गैलेक्सी वेगा तीनों के लोग बहुत परेशान हैं सारा मेंटेनेंस स्टाफ और सिक्योरिटी विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन के सोसाइटी में रह रही है कोई एक नई एजेंसी ले आया ट्राई कलर का जो कि हमें लग रहा अनऑथराइज है कोई अग्रीमेंट नहीं है उसका क्या उसको काम करना है ये कोरे कागज पे है हमसे पैसे लिए जा रहे हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे नहीं चलते हैं हमारे बूम बैरियर नहीं चलते ये हालात है सोसाइटी की और मेंटेनेंस हमारा 2 रुपया है गौर के सारे एवेन्यू में हमसे कम है उनकी आप सिक्योरिटी देख लो आई कार्ड के साथ टिप टॉप मिलेगी हमारे यहाँ किसी को ला के मर दिया जाता है चाहे वो किसी भी तरह का आदमी क्यों ना क्रिमिनल बैकग्राउंड का क्यों ना हो उसको गैलेक्सी में नौकरी मिल जाती है किसी भी तरह का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो है ही नहीं आई कार्ड नहीं गार्डों के पास 4-4, 5-5 महीने नौकरी करते हुए हो गए उन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है कि हम लोग पहचान सके कि हमारा गार्ड ही है या कोई और आके बैठ गया है तो इस तरह से वारदात कई सारी हो चुकी है भारी सुरक्षा में चूक पूरी गैलेक्सी के रेजिडेंट जान खतरे में मर्डर होने के बाद भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि भैया सिक्योरिटी देख लो कोई उसमें ये नहीं है ठीक है सोसाइटी के बाहर लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग शायद उसमें थे कोई फ्लैट ऐसा है जो ऑक्युपाइड है जो आज भी पुलिस उसको उठा कर ले जाती है लेकिन हमारा मेंटेनेंस कुछ नहीं करता है उसकी एंट्री ऐसे ही है सोसाइटी में जब चाहे आ सकता है चोर है प्रदीप अग्रवाल चोर है